हाय फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस समय कहाँ हूँ। यहाँ पे कोई भी नहीं है और ये है मेरी सोसाइटी। तो बस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं अपनी सोसाइटी में। ये देखिए, ये दोनों नए घर में पहुंचेंगे हम। कहाँ जा रहे हो? पार्क में, नए न्यू घर के पार्क में। न्यू घर, न्यू घर जा रहे हैं, न्यू घर। अपने अपने टॉयज लेके आए हैं। बहुत बोर फील, बहुत बोर फील हो रहा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इन लोगों को ले जाती हूँ, कि बच्चे भी काफी दिन से ना घर में पैक होके बहुत बोर होने लगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा है, बस मेरे घर से पास में ही है मेरा फ्लैट, मतलब सोसाइटी पूरी। तो फ्लैट तो फिलहाल मैंने दे रखा है रेंट पे, लेकिन सोसाइटी में जा रहे हैं। अच्छी सोसाइटी है, अभी आपको दिखाती हूँ अपनी सोसाइटी। मेरी तो कमर नहीं गंदा जी, रात हो गई यार। तो फाइनली आ चुकी हूँ मैं अपनी सोसाइटी में और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए इन लोगों की यहाँ पे मस्ती शुरू हो गई। ये यहाँ पे मंदिर बनने वाला है और ये है पूरा पार्क। यहाँ पे सुना था, बोल रहे थे कि यहाँ पे मतलब झूले वगैरह लगेंगे बच्चों के लिए। काफी अच्छा खासा पार्क है, बहुत लंबा है, मतलब जॉगिंग वगैरह करने के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है ये। और इधर ही लास्ट में जाके मेरा फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं आप लोगों के साथ में अपना होम टूर भी शेयर करूंगी, बट अभी लॉकडाउन के चक्कर में जो मेरे रेंटर हैं वो खुद फंसे हुए हैं, तो इसीलिए अभी वो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे भी। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शांति है यहाँ पे। और इस साइड यहाँ पे क्रॉसिंग है, तो यहाँ से ट्रेन निकलती है, तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं ट्रेन देख के कि ट्रेन निकल रही है, बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कैसा लग रहा है क्यूटी आपको? इधर आओ, भागे अब खेलने में लग रहे हैं वो लोग। तो अभी टाइम हो गया है लगभग 6:30, और ये मेरे हेयर देखिए, मैंने जस्ट अभी एक वीडियो शूट किया था, जैकलीन का एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, तो उसी के लिए मैंने ये कर्ल किए थे आज ही, जो कि अभी तक बरकरार हैं मेरे कर्ल। कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? कर्ली हेयर अच्छे लगते हैं, और मेरे तो वैसे भी कर्ली हेयर हैं और अच्छे लगते हैं, मुझ पर भी अच्छे लगते हैं। मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी और उसके बाद से मेरे हेयर इतने ज़्यादा कर्ली हो गए ना कि मैं बता ही नहीं सकती, थोड़े ड्राई भी हो गए। अब मुझे रिबॉन्डिंग दोबारा करानी है, अब सोच रही हूँ कब कराऊँ, या तो कोई ओकेशन ऐसा है तब कराऊँ, देखती हूँ जब मन करेगा तो करा लूँगी। लेकिन फिलहाल तो हेयर कट कराना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं करवा सकते अभी। ये देखिए अध्यांश और प्रीशा खेलने लगे हैं। ये देखिए इंजॉय कर रहे हैं। और तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को घुमा लाती हूँ, यहाँ पे
कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। कुछ ही फ्लैट्स हैं जिसमें कि लोग रह रहे हैं, अदरवाइज सब खाली पड़े हैं और कुछ बन रहे हैं। बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, एकदम शांति है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे मना कर रही थी कि अभी मत चलो, रात हो रही है, लेकिन माने नहीं, नहीं मम्मा चलो 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 चलो, तो बस मैं फिर ले आई उनको, मैंने कि चलो बहुत रात भी होने वाली है और यहाँ पे बहुत प्रॉपर लाइट भी नहीं है, तो बस जो भी लाइट है उसी में मैं शूट कर रही हूँ वीडियो। और क्योंकि लॉकडाउन के चलते कुछ शॉपिंग वॉपिंग हो नहीं पा रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग साथ में अपना ब्लॉग शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं आप लोग साथ में अपना ब्लॉग ये वाला ब्लॉग शेयर करूँगी। तो ये ब्लॉग मैं आप लोग साथ में शेयर करूँगी और आई थिंक ये ब्लॉग कल मेरे चैनल पर जाएगा। और यहाँ पर बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं तो बस मच्छर बहुत आ गए, मच्छर आने लगे हैं क्योंकि शाम हो गई है इसलिए मच्छर आने लगे हैं यहाँ पे। और अब बस मैं निकलूँगी अपने घर को काफ़ी लेट हो गया था यहाँ पे आने में, मेरे घर से थोड़ा ही पास में है तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई थी बच्चों के साथ में वॉक करते करते। तो बस अब यहाँ से निकल रही हूँ मैं अपने घर को, वरना बहुत देर हो जाएगी और मम्मी चिंता करेंगी। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। ब्लॉग को मैंने आज भी कंटिन्यू किया हुआ है, आज है 5th of April और इस टाइम बज रहा है करीब 8:30। और अभी बस हम लोग दीपक जलाने वाले हैं क्योंकि जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि 5th of April को 9:00 पे सबको एक घर पे सारी लाइट्स ऑफ करके और कोई दिया जलाना है या कैंडल जलानी है या अपने मोबाइल की टॉर्च आपको अपने बालकनी में या गेट पे जलानी है। तो मैंने यहाँ पे दिया रेडी किया है तो मैं आपको अपना दिया दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा मेरा दिया है, कुछ इस तरीके से ये मैंने दिए को रेडी किया है, काफ़ी बड़ा दिया है, इसमें 7 दिया बत्ती आई हैं। तो इस तरीके से इसी दिए को हम लोग जलाने वाले हैं अभी। और ये दिया दीपावली पे मेरा भाई लेके आया था तो बस इसी में हम लोग अभी दिए की रोशनी करने वाले हैं, घर की सारी लाइट्स ऑफ करके, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और देखते हैं कौन कौन अपने घर के आगे दिया जलाता है और आप लोग उसे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने दिया जलाया या नहीं जलाया। और मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का दिया रेडी किया है, देखिए ये मेरी बेटी आ रही है इसको बहुत मजा आता है मेरी वीडियोस आने का, ये देखिए यही घूम रहे हैं, ये देखिए अध्यांश भी आ गया, हेलो ये आ गया। अभी मेरे घर में इस समय 7 फैमिली मेंबर्स हैं, 3 हम लोग हैं, मम्मी है, पापा है और दोनों भाई हैं, भाभी अपने मायके गई हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे मेरे पास जो दिया मैंने रेडी किया है इसमें भी 7 ही दिया बत्ती हैं, 7 ही इसमें दिए हैं तो इसीलिए हम लोग सबके नाम का एक एक जलाने वाले हैं दिया। तो चलिए अभी थोड़ी देर में फिर मिलती हूँ आपसे। मॉम ने और भाई ने अपने गेट के बाहर दिए जलाए थे, हमारे सारे नेबर्स ने अपने घर के बाहर दिए जलाए थे और पटाखे भी फोड़े थे और बहुत मज़ा आया। आई होप आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।